बॉलीवुड का हैंडसम हंक और वन ऑफ द स्टाइलिश एक्शन हीरो है जॉन अब्राहम। और पठान पे उन्होंने पावरफुल विलेन वाला रोल देकर सबको किया है काफी इम्प्रेस्ड। और अभी उनका हाथों में है कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों जॉन का अपकमिंग फिल्मों के बारे में जानने के लिए सुशांत के वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। वन तेहरान ये अपकमिंग थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट डायरेक्टर अरुण गोपाला ने। और इसमें जॉन अब्राहम के साथ लीड एक्ट्रेस के रोल पे है मानुषी चिल्लर। और दोस्तों इसका स्टोरी रशियन यूक्रेनियन वॉर पर बेस्ड होगा। और जहाँ पर फिल्म का शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है और ये फिल्म इसी साल रिलीज की जाएगा। नंबर टू आयप्पनम कोश्यम रीमेक। और जहाँ पर यह है मलयालम का ब्लॉकबस्टर फिल्म आयप्पनम कोश्यम का ऑफिशियल हिंदी रीमेक। और इसको डायरेक्ट करी है जागन शक्ति ने जिन्होंने मिशन मंगल जैसे फिल्में दिया है। और इसमें पृथ्वीराज के रोल में नजर आएंगे अर्जुन कपूर को और बीजू मेनन के रोल में नजर आएंगे जॉन अब्राहम को। और अभी ये फिल्म प्रोडक्शन स्टेज पर है, काफी जल्द ही इसका शूटिंग स्टार्ट होगा। नंबर थ्री 100% ये अपकमिंग एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सजिद खान ने। बता दोस्तों इसमें जॉन अब्राहम के साथ रितेश देशमुख, नोरा फतेह और शहनाज की लीड रोल में नजर आएंगे। और यहाँ पर फिल्म का कास्ट को लेकर एक वीडियो रिवील की गई है जहाँ पर कहा गई है कि ये फिल्म 20% कॉमेडी, 20% रोमांस, कॉन्फ्यूशन, म्यूजिक, एक्शन ऐसे करके 100% फिल्म है। और इस फिल्म को 2023 का दिवाली पे रिलीज की जाएगा। नंबर फोर वार टू। और सभी लोग जानते हैं कि 2019 का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म वार का सेकेंड सीक्वल आ रही है वार टू, जिसको भी डायरेक्ट करी है सिद्धार्थ अनंत ने। और जहाँ पर पार्ट वन पे ऋतिक के साथ टाइगर श्रॉफ लीड रोल में था और अभी पार्ट टू पे ऋतिक के साथ होगा जॉन अब्राहम, यानी कि एक तरफ कबीर वर्सेस जिम का टक्कर नजर आएंगे। और दोनों हैंडसम हंक का बराबर टक्कर देखना वाकई ही दिलचस्प होगा। नंबर फाइव तारीख ये अपकमिंग एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है अरुण गोपालन ने। और इसमें जॉन अब्राहम के साथ रुक्मिणी मैत्रा को लीड रोल में नजर आएंगे। और इसका स्टोरी ट्रू कहानी पर बेस्ड होगा और जो फिल्म 15 अगस्त 2023 पे होगा रिलीज। नंबर सिक्स हाउसफुल फाइव। और यहाँ पर यह है हाउसफुल फ्रेंचाइज का अपकमिंग पार्ट और ये फुल ऑन कॉमेडी इंटरटेनमेंट फिल्म होगा जहाँ पर अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, खिलाड़ी आकी, जैकलिन, कृति सनोन और साथ में है जॉन अब्राहम। और तो दोस्तों फिल्म का अभी तक की रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है। नंबर सेवन यशराज फिल्म का स्पाई यूनिवर्स। और ये फिल्म होने वाले है बॉलीवुड का बिगेस्ट धमाका फिल्म, क्योंकि जहाँ पर इसी फिल्म पे कबीर टाइगर और पठान का होगा क्रॉसओवर, यानी कि एक ही फिल्म पे एक तरफ भाजपा सलमान खान, दूसरी तरफ बादशाह शाहरुख खान और तीसरी तरफ है हैंडसम हंक ऋतिक रोशन। और बता दोस्तों इन तीनों के साथ इसी स्पाई यूनिवर्स पे ज्वाइन करने वाले हैं जॉन अब्राहम ने। और एक ही फिल्म पे इन चारों को देखना वाकई ही गुजबम वाला सीन होगा। नंबर एट शूट आउट एट बाकुला ये अपकमिंग गैंगस्टर फिल्म है जिसको डायरेक्ट करने वाले है संजय गुप्ता ने। और इसमें जॉन अब्राहम के साथ बाबा संजय दत्त और सैफ अली को लीड रोल में नजर आएंगे। और सभी लोग जानते हैं कि ये फिल्म है शूट आउट एट वादाला का सीक्वल। नंबर नाइन द डिप्लोमेट और ये अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म होगा जिसको डायरेक्ट करी है नाम शवाना का डायरेक्टर शिवम नायर ने। और इसमें जॉन अब्राहम के साथ सादिया खतीब को लीड रोल में नजर आएंगे। और अगर स्टोरी की बात करूँ तो इसमें एक इंडियन डिप्लोमेट कैसे एक इंडियन लड़की को पाकिस्तान से वापस लाने की कोशिश करते हैं वही इसमें दिखाया जाएगा। और अभी इसके स्क्रिप्ट पे काम चल रही है। नंबर टेन 1911 और ये अपकमिंग स्पोर्ट्स फिल्म है जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं बाटला हाउस का डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने। और अगर कास्ट की बात करूँ इसमें जॉन के साथ है उमेश कौशिक। और तो दोस्तों इसका स्टोरी प्री इंडिपेंडेंस एरा पर बेस्ड होगा और जहाँ पर एक आइकॉनिक फुटबॉल मैच को दिखाया जाएगा। नंबर 11 पार्लोक ये है अपकमिंग हिस्ट्रिकल एक्शन फिल्म जिसको डायरेक्ट करी है परमाणु का डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने। और इसमें जॉन अब्राहम का होगा काफी डिफरेंट रोल। तो उसे ये रहा बॉलीवुड का हैंडसम हंक जॉन का कुछ अपकमिंग फिल्मों के बारे में। तो उस लिस्ट पे कौन से अपकमिंग फिल्म के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट में बताइए। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और सभी बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।